किशोर जोरगेवार ने शीत अधिवेशन में अनेक प्रश्नों की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करने सफलता मिलने की जानकारी आयोजित पत्र परिषद में दी। चंद्रपुर जिले के नागरिकों को घरगुती इस्तेमाल के लिए 200 यूनिट बिजली दी जाए, इस मुख्य मांग के साथ चंद्रपुर विधानसभा मतदार संघ के अनेक प्रश्नों की ओर नागपुर के शीत अधिवेशन में ध्यान आकर्षित करने में सफलता मिली है। अनेक नए कामों की ओर शासन ने ध्यान आकर्षित किया है। चंद्रपुर का पानी प्रश्न संपुष्ट में आने से वर्धा नदी पर धानोरा में 500 करोड़ के बंधारे का आराखड़ा जून तक पेश करने के निर्देश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने देने की जानकारी चंद्रपुर के विधायक किशोर जोरगेवार ने पत्रकार परिषद में दी। जोरगेवार ने कहा कि राज्य के शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारियों को पुरानी पेंशन लागू करे, कर्नाटक एमटा खदान के अवैध कोयला उत्खनन मामले की जांच करे, ताड़ोबा में जिले के पर्यटकों को निशुल्क प्रवेश मिले, चंद्रपुर के दीक्षा भूमि के लिए 100 करोड़ का विकास आराखड़ा तैयार करे, यह मुद्दे सभागृह में रखे। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने लिए जिले की सायजा बैठक में बाबूपेट उड़ान पुल माता महाकाली मंदिर के सौंदर्यीकरण के लिए स्थगिति उठाई। प्रधानमंत्री आवास योजना की जाचक शर्त में से पट्टे की शर्त निकालना, यह मुद्दा उपस्थित किया। चंद्रपुर के नागरिकों को घर पट्टे किस तरह से दिए जा सकते हैं, इसके लिए मुख्यमंत्री ने महसूल विभाग को अहवाल तैयार करने के निर्देश देने का भी विधायक जोरगेवार ने बताया। पिछले महीने भर में महापरीक्षा पोर्टल बंद करने संबंध मुख्यमंत्री को निवेदन पेश किया। स्वास्थ्य सेवा उत्तम करने की दृष्टि से शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय और सामान्य अस्पताल के अधिकारियों से बैठक ली, जटपुरा गेट पर यातायात की समस्या के बारे में जिलाधिकारी से चर्चा की, CTPS के अस्थायी कामगारों के प्रश्न, विकास कामों का भी जायजा लिया। 3 महीने से बंद इरे बांध के मच्छीमारी शुरू करने में सफलता मिलने की बात विधायक जोरगेवार ने कही। ते सोडवले नाही आहे, जे दीक्षा भूमीच्या बाबतीतला पहिला मी व्यक्ती आहे ज्यांनी 100 कोटी एकत्रितपणे द्यावे, तसा चांगला आराखडा मंजूर करून 100 कोटी द्यावे अशी मागणी करणारा मी आहे। त्या त्या वेळच्या लोकप्रतिनिधींनी त्या त्या वेळी दीक्षा भूमीला मदत केलेली आहे, त्या ठिकाणी जे काम बांधकाम आहे विकास काम आहे ते केलेली आहे, परंतु एकत्रित मागणी करणारा मी आहे। कारण याला ऐतिहासिक असं म्हणतो आहे, जगामध्ये केवळ 2 ठिकाणी धम्म दीक्षा दिली, डॉक्टर महामानव बाबासाहेब आंबेडकरांनी, त्यात एक नागपूरची दीक्षाभूमी आहे आणि दुसरी चंद्रपूरची दीक्षा। म्हणून 100 कोटीचा एकत्रितपणे आराखडा करून एक चांगलं पर्यटनस्थळ व्हावं ही भूमिका घेऊन आपण त्या ठिकाणी सभागृहामध्ये मागणी केली। महाकाली मंदिराच्या बाबतीतलं तुम्ही जे म्हणता हे खरं आहे की मागच्या सरकारनी त्या महाकाली मंदिरच्या 59 कोटी रुपयाच्या विकास आराखड्याला मंजुरी दिली आणि तसं ते निधीची तरतूदही केली, त्याबद्दल त्यांचं मागच्या सरकारचं धन्यवाद, लोकप्रतिनिधींचंही धन्यवाद। परंतु ती ज्या स्थगिती आली होती 59 कोटी रुपयाच्या त्या कामावरची बांधकामाची, ती उठवण्याच्या साठी म्हणून मी माननीय मुख्यमंत्र्यांची जी जिल्हा आढावा बैठक होती त्या बैठकीमध्ये मी मागणी केली होती, त्याला अनुसरून त्यांनी ते बैठक ती उठवली। त्यासोबतच 25 कोटी रुपये अधिकचे त्याला जे पाहिजे आहे ते सुद्धा द्यावे। पाऊपेट उड्डाण पुलाचं काम पैसे निधी अभावी थांबल्या गेलं होतं, रखडलं होतं, त्या पुलाला निधी मिळावा यासाठी सुद्धा मागणी केली आणि तीसुद्धा मान्य झाली, ताबडतोब पैसे देण्याचं त्यांनी मान्य केलं। मासा कन्नमवार जुबली शाह जी दोन्ही होती तिथे स्टेडियम होत आहे, ते स्टेडियमला 25 कोटी रुपये मागच्या सरकारने मंजूर केले होते, परंतु ते 25 कोटीमध्ये होत नाही, पुन्हा 15 कोटी रुपये पाहिजे म्हणून मला त्या विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितलं, त्याचीसुद्धा मागणी केली आणि तेसुद्धा देण्याचं सरकारने माननीय मुख्यमंत्र्यांनी मान्य केलं।